नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज मैं आपको समाचार कुछ कहने से पहले, कोई भी बात आपके सामने रखने से पहले चाहूंगा कि यह वीडियो आप एक बार ध्यान से देख लें। चीखते हुए लोग और आगों की धधक में समाती हुई वो झोपड़ी, वो घर, वो मकान और बिलबिलाते हुए उस परिवार के सदस्य जो अपने घरों के सामानों को बचाने के लिए जीतोर प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आग की लपट के सामने उनकी एक भी नहीं चली। यह आग नेचुरली नहीं लगा, ना ही किसी शॉर्ट सर्किट का मामला है। यह आग लगाई गई और यह कह करके आग लगाई गई कि मैं तो विधायक का आदमी हूं, मेरी मर्जी पर आपको जीना पड़ेगा। जी हां, यह मामला खगड़िया के पर्वत्ता क्षेत्र से आया है, मुरादपुर गांव का है, जहां पे अशोक झा नाम के एक व्यक्ति हैं जो किसान हैं, और उनका परिवार, जो कि उनके परिवार, उनकी पत्नी का नाम है ललिता देवी, उन्हें मार पीट करके पहले एक घटना होती है 3 तारीख को 10वें महीने में 2020 को, जब मारपीट की जाती है। मामला जमीनी विवाद का है, तो मारपीट जब हुई तो उसके बारे में थाना को सूचना दी गई। अब थाने के तरफ से कार्रवाई क्या हुई, ऐसी कार्रवाई हुई कि अभियुक्त जो थे वो 15 तारीख 11वें महीने को उनके घरों में आग लगा दिया कि तुमने कंप्लेन क्यों किया, तुम्हें नहीं पता कि मैं सुशासन की सरकार के विधायक का आदमी हूं। और जब इस बाबत हमारे सहयोगी के द्वारा यह पता किया गया कि जिनके साथ यह घटना हुई है, यानी अशोक झा, उनका क्या मानना है विधायक के बारे में, तो यह भी आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। इस घटना के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक हमारा बहुत अच्छा है, मगर वो लोग हमको धमकाता है, मारता है, पीटता है, कहता है आग लगा दिया, अब तुम्हारा तुम लोग को भी मार देंगे। हम विधायक का आदमी हैं, मगर विधायक को तो हम लोग भी वोट देके जिताए हैं। विधायक के डर से हम सगर भाग रहे हैं, BSP तक हम कागज दिए, पटना तक, और हम रहते हैं बस यही तो कपड़ा बचा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विधायक हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके नामों को लेकर के कुछ गुंडई प्रवृत्ति के आदमी, कुछ दंगाई प्रवृत्ति के आदमी, कुछ असामाजिक तत्व उनके नामों को, उनके प्रतिष्ठा को गिराने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में विधायक को, स्थानीय विधायक को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अशोक झा उन्हीं के नागरिक हैं, उन्हीं के विधानसभा के रहने वाले हैं और उनके हिमायती भी हैं। आज वो परिवार जिसका 420 बोड़ा अनाज को जला करके राख कर दिया गया, आप तस्वीर में साफ देखिए कि किस तरीके से जले हुए अनाज पड़े हुए हैं,
और शिकायत करते करते शिकायतकर्ता की पांव की चमड़ियां घिस गई, लेकिन इन सुशासन की सरकार के जो सारे अधिकारी हैं उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगा। हकीकत यही है कि अशोक झा के वदन पर अब सिर्फ एकमात्र वही वस्त्र रह गया है जिससे वो अपनी इज्जत आबरू को ढके हुए हैं, कुछ भी नहीं बचा। और ऐसे में पर्वता थाना के द्वारा जो उदासीनता दिखाई गई है वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है। हम खगड़िया के एसपी से भी कहना चाहूंगा कि आप इमीडिएटली इस घटना का संज्ञान खुद अपने हाथों में लेकर के जांच करें और यह पता करें कि विधायक को बदनाम करने की साजिश के साथ साथ अपने पड़ोसियों को आग के हवाले करने की कोशिश करने वाले दंगाई प्रवृत्ति के लोगों पर थाने ने कार्रवाई क्यों नहीं किया। एक बार मारपीट होती है, दोबारे आग लगाई जाती है, न्याय के लिए दर दर की ठोकरों खाता हुआ इंसान कभी थाने में, कभी डीजीपी के यहां, कभी डीआईजी के यहां, कभी एसपी साहब के यहां, कभी डीएसपी साहब के यहां, लेकिन आखिर आप लोग सुनते ही नहीं, क्योंकि यह सुशासन की सरकार है। हम लोगों ने एक कहावत पढ़ा था, सुना था, आपने भी सुना होगा, सुना होगा कि चाचा हमर विधायक हवन ना ही डराइब हो। कुछ ऐसा ही मामला पर्वता से निकल करके आया है जिसमें ललिता देवी के हाथ पांव को तोड़ा गया सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर के, और इतना ही नहीं उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया और चेतावनी दी गई कि मैं विधायक का आदमी हूं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वास्तविकता तो अभी तक यही दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि स्थानीय विधायक को इस मामले में दिलचस्पी लेनी चाहिए, और दिलचस्पी ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके जिन्हें नामजद किया गया है, ऐसे लोगों पर जांच करवा करके कम से कम अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का काम करेंगे। साथ ही ऐसे लोग को दंडित करना इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि आने वाले समय में कोई इस तरह की अप्रिय घटना समाज में नहीं घटे। जी हां, बने रहिए बीडी न्यूज के साथ और देखिए कि किस तरीके से घर को जला दिया गया, किस तरीके से लोग बिलख रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस घटना के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे इतनी जोर से? कहे छी हमरा 10वां महीना 3 तारीख का पारा तोड़ दिल के उस सब हमरो सब कुछ का मारपीट का कर मार कौन दे मारपीट का कर तो 15वां महीना में आग लगा दिल के 10:30 बजे फिर दिन में हमरा पति बोखल फूरे हर जगह कोई उपाय नहीं चले पागल भाई ले कोई नहीं सुनवा ले चले पुलिस ने दरोगा कोई नहीं एसपी कोई नहीं की कर लो जाए सर। 3 तारीख को आपके साथ क्या हुई थी? 3 तारीख का मारपीट पैर हाथ सब तोड़ दल के ये देखिए पैर हाथ सब कुछ आए कोई सुनवा नहीं किया। फिर 15 तारीख को क्या हुआ? 15 तारीख 10:30 बजे आग लगाया वो लोग सब हम देखे भाग गया इस जगह आग लगा के हम सबको देखे। क्या इसकी सूचना आपने थाने को दी? हाँ सब कुछ दिए कोई नहीं सुना मेरा पति भौंक रहा है हर जगह कुछ नहीं सुनवा किया। ये 400-500 कट्टा इसमें था, उसके बाद ट्रंक में पैसा भी रखा था और अनाज भी जल गया और मशीन था मशीन भी जल गया और साइकिल तैकिल जो भी था सामान बहुत इसका क्षति हुआ है। मतलब सारा कुछ रहना खाना सब इसी घर में था। ठीक है, पूरा सामान इसका जल के रख हो गया है, जितना कबला उबला जितना था वो सब जल के रख गया। आपका सामने में भी अभी पड़ा हुआ है, कहीं दूर में नहीं है। बहुत उधर से चिल्लाया, चिल्लाने के बाद हम लोग दौड़ के आए मेहाए इसको 2-3 घंटा लगा मेहाने में और पेट्रोल का गमक आ रहा था इसमें से। ठीक है।